भाइयों और बहनों, क्या आपको पोषक तत्वों के बारे में पता है? हाँ हाँ बताइए बताइए, जानते हैं? नहीं जानते? तो आज आपको मैं बताऊंगी। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें सभी मात्रा में पोषक तत्वों का समावेश होता है। हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वे हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बसा, विटामिन, खनिज तत्व, रेशेदार आहार और पानी। सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। प्रोटीन अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनके शरीर की उचित वृद्धि नहीं हो पाती, और अगर गर्भवती स्त्री में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसके होने वाले बच्चे पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। हमारे शरीर की मांसपेशियां, कोशिकाओं, बाल, त्वचा, हड्डियों में भी प्रोटीन होता है। क्या आपको पता है प्रोटीन किन किन खाने की चीजों में मिलता है? क्यों भाइयों बहनों, पता है आपको? मैं बताऊं, हमें प्रोटीन मांस, मछली, अंडा आदि में अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ दालें, सोयाबीन, फलियों आदि में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पोषक तत्व है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को स्वस्थ रखने में भी कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और हमारा मस्तिष्क इन सभी के लिए आवश्यक है। और तो और, कार्बोहाइड्रेट हमें बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में मिलता है। ये हमें संपूर्ण अनाज, फलियों और फाइबर से भरपूर सब्जियों और फलों में अच्छी मात्रा में मिलता है। और हाँ, जिन उत्पादों में शक्कर हो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। भाइयों, हमारा अगला पोषक तत्व है बसा। अगर आप सही मात्रा में बसा का इस्तेमाल करेंगे तो रक्त शुगर संतुलित रहता है तथा हृदय संबंधी रोग और डायबिटीज जैसे रिस्क भी कम होते हैं। बसा हमें सरसों का तेल, नारियल का तेल, वनस्पति तेल, घी आदि में अच्छी मात्रा में मिलती है। इसके साथ साथ फलियों, बीजों, मछली आदि में भी बसा बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। भाइयों और बहनों, अब हम अपने अगले पोषक तत्व के बारे में बताएंगे जिसका नाम है विटामिन। विटामिन शरीर को स्वस्थ
रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें फल और सब्जियां ज्यादा हो, क्योंकि विटामिन भी इन्हीं उत्पादों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा अगला पोषक तत्व है मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण। खनिज लवण बहुत से शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही साथ मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण में भी बहुत आवश्यक होता है। भाइयों, अब हम आपको बताएंगे हमारे लास्ट पोषक तत्व के बारे में, और जिसका नाम है पानी। आप कुछ बिना खाए तो कुछ हफ्ते तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के कुछ दिन भी नहीं जी सकते। पानी आपसे मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाता है, ये पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कब्ज भी दूर करता है। कार्बोहाइड्रेट फल एवं सब्जियों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भाइयों,